हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ग्रीन नेचुरल गार्डन। तो फ्रेंड्स, आज हम क्लांचो प्लांट की केयर कैसे करें उसके ऊपर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जो क्लांचो प्लांट होता है वो विंटर का बेस्ट प्लांट है, और इसमें जो फ्लावरिंग है वो कैसे बंच में फूल करता है। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास देसी क्लांचो है। तो फ्रेंड्स, मैं इसकी एक छोटी सी कटिंग लेकर आई थी, और अब आप देख सकते हैं कि इसका जो फ्लावर है वो कितने अच्छे से ब्लूमिंग कर रहा है और एक छोटे से पॉट में लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, प्लांचो प्लांट की कोई ज़्यादा खास केयर नहीं करनी पड़ती, बस इसका जो सीज़न है, ये विंटर का सीज़न है, उसमें आप देख सकते हैं कि इसके जो बंच में फ्लावरिंग कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके प्लांट फ्लावरिंग नहीं कर रहा है तो उसको 4 से 5 घंटे की सनलाइट चाहिए, जिससे कि वो प्लांट में बर्ड्स बना सके, उसके बाद ही वो उनको ब्लूमिंग करे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके प्लांट में ऐसी फ्लावरिंग आ गई है तो आप उसको कई दिनों तक खिले रहने के लिए उसको उठाकर शेडी एरिया में रख दें। तो फ्रेंड, उससे ये होगा कि आपके जो प्लांट के फ्लावर है वो कई दिनों तक खिले रहेंगे और मुरझाएंगे नहीं। तो फ्रेंड्स, आप इसको ईजिली कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको कैसे कटिंग से ईजिली ग्रो कर सकते हैं। और ये मेरे पास कटिंग है, और आप देख सकते हैं कि जो कटिंग में लगे हुए फ्लावर है वो भी मुरझाए नहीं है, ऐसे कि एज इट इज़ खिले हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि अभी बिल्कुल भी रूट्स भी नहीं आई है, और उसके बाद भी जो कटिंग का फ्लावर है और कितने अच्छे से ब्लूमिंग कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसके लिए जो सॉइल है कटिंग के लिए, फ्रेंड्स मैंने 50% गार्डन सॉइल और इसमें 50% कोकोपीट मिलाया। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो नमी है वो बनाए रखे सॉइल में, जिससे कि रूट्स डेवलप में अच्छे से हेल्प करें। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो इसके फ्लावर है, और ये मेरी अनदर कटिंग से तैयार किया हुआ प्लांट है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने इसको प्लास्टिक के वेस्ट में लगा रखा है, और अभी मैंने इसको ऐसे ही रख रखा है। तो फ्रेंड्स, आप इसका भी देख सकते हैं कि एक छोटे से प्लांट में कितने अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। तो फ्रेंड्स, प्लांचो प्लांट हाइब्रिड और 3-4 कलर में भी मिलता है, बट मेरे पास अभी देसी प्लांट ही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं मिल जाए आप इसको कटिंग से ईजिली ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो।